आप सभी लोगों को हमारी YouTube चैनल AMU एंट्रेंस क्रैकर पर फिर से एक बार स्वागत है। अमित अंदन है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे AMU क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम, जो कि इस बार 2023-2024 सेशन में होने जा रहा है। तो इसमें आपको ओवरऑल क्या है पेपर के बारे में बताएंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल 85 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जो एंट्रेंस OMR शीट बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 85 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यानी कि बुकलेट में आपके टोटल 85 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके दो सेट रहेंगे, सेट फर्स्ट और सेट सेकंड। तो सेट फर्स्ट में आपका लैंग्वेज का पार्ट रहेगा, टोटल लैंग्वेज का पार्ट रहेगा। अब लैंग्वेज में भी क्या उर्दू रहेगी, जिसमें आपके 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। हर बार ये वेरी करता है, कभी 8 कभी 9 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हिंदी में भी कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, कभी 7 भी आते हैं, कभी 8 भी आते हैं, कभी 9 भी आते हैं। तो हमने एक मीन ले लिया है कि 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लैंग्वेज में, आपका ये आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ओवरऑल आपके 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सेक्शन सेकंड के अंदर आते हैं। सेक्शन सेकंड के अंदर जो है आपका साइंस रहेगी और साथ के साथ मैथ रहेगा। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका जो लैंग्वेज का पार्ट रहेगा उर्दू उर्दू में ही रहेगी, हिंदी हिंदी में ही रहेगी लिखी हुई, और इंग्लिश इंग्लिश में ही रहेगी। लेकिन आपको सेक्शन सेकंड के 3 वर्जन देखने को मिलेंगे, एक इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन और उर्दू वर्जन, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तब भी अगर समझ में नहीं आए तो एग्ज़ाम हॉल में आपका एग्जामिनर होगा, उसे बुलाइए और पूछिए कि क्वेश्चन समझा दीजिए, ठीक है। वैसे तीनों लैंग्वेजेस में होता है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती। 9th क्लास के बच्चे अच्छे खासे मैच्योर होते हैं, समझदारी अच्छी खासी होती है। 6th क्लास के बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है। तो सेक्शन सेकंड के अंदर 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके साइंस के, ठीक है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो अब हम बताते हैं कि इसमें आपकी जो है ओवरऑल आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर कि आपको आपका एग्ज़ाम हॉल में एंटर होना है, मतलब 10 बजे से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू होगा। तो आपको मिनिमम 30 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, ठीक है। और 30 मिनट पहले ही आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 30 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, तकरीबन मतलब 9:30 बजे सुबह आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम शुरू होगा आपका वो 10:15 AM से शुरू होगा, यानी कि 15 मिनट आपको जो है बुकलेट को फिल करने के लिए मिलेंगे, बुकलेट फिल करने के लिए मिलेंगे, और साथ में OMR की एंट्रीज को फिल करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। तो आपका पेपर 10:15 से शुरू होगा। उसके बाद आपके पेपर की टाइमिंग कितनी है, ओवरऑल 2 घंटे का पेपर है आपका, 2 आवर्स का है। तो आपका पेपर जो ख़त्म होगा वो आपका 12:15 पर ख़त्म हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो ये 15 मिनट जो मिलते हैं आपको बुकलेट और OMR को फिल करने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, प्रिडिक्टेड या सेफ स्कोर क्या रहेगा, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, तो हम यही डिस्कस करेंगे। तो देखिए लास्ट ईयर की कट ऑफ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए तो आप बात कर लेते हैं वीडियो में कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी क्लास 9th के लिए। तो हम यहाँ आपको बताएंगे बॉयज़ इंग्लिश मीडियम में क्या कट ऑफ थी, गर्ल्स इंग्लिश मीडियम के लिए, साथ के साथ बॉयज़ उर्दू मीडियम से जो लोग अप्लाई करते हैं जो स्टूडेंट, उनकी क्या कट ऑफ थी, मतलब कितने नंबर पर उनका OMR बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई हो गया था। साथ के साथ गर्ल्स उर्दू मीडियम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डेटा देख लेते हैं कि लास्ट ईयर टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ 12,306, ये ऑफिशियल डेटा है, आपको AMU की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें से टोटल कितने प्रेजेंट रहे थे, तो 10,817 बच्चे प्रेजेंट रहे थे। तो आप ये डेटा देख लीजिए, तकरीबन आपके 1400 बच्चे एबसेंट रहे थे, 1400-1500। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट थे। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर बॉयज़ इंग्लिश मीडियम की क्या कट ऑफ थी। तो बॉयज़ इंग्लिश मीडियम की लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो आपकी 70 थी, ठीक है। वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स का जो था 69 कट ऑफ रही थी इंग्लिश मीडियम के लिए। बॉयज़ उर्दू मीडियम की अगर बात करें तो बॉयज़ उर्दू मीडियम की आपकी 63 मार्क्स पर कट ऑफ थी, यानी कि इंटरव्यू राउंड के लिए इन लोगों का सिलेक्शन हो गया था। वहीं गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स का जो था आपका 61 मार्क्स का कट ऑफ थी। तो ये था। तो ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए इंटरव्यू के बाद ओवरऑल इनके कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था, तो आपका यहाँ 82 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जो था आपका 74 मार्क्स तो इंग्लिश मीडियम की ओवरऑल बात करें, इंग्लिश मीडियम गर्ल्स के लिए ओवरऑल क्या कट ऑफ रही थी आफ्टर इंटरव्यू, तो यहाँ आपकी
80 मार्क्स के अराउंड रही थी, ठीक है। और इसमें अगर बात करें बॉयज़ उर्दू मीडियम के लिए, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 74 के आसपास थी, ठीक है। इसी तरीके से गर्ल्स के लिए जो था यहाँ पर 72 मार्क्स के आसपास कट ऑफ थी। तो आप वेरिएशन देखिए, इंग्लिश मीडियम बॉयज़ में 82 और बॉयज़ उर्दू मीडियम में 74, तो ठीक है। तो अगर आपको उर्दू अच्छी तरीके से आती है पढ़ना, तो आप उर्दू मीडियम से भी अप्लाई कर सकते हैं आने वाले सेशन में। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने अप्लाई कर रखा, तो अभी हम लास्ट ईयर की कट ऑफ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस बार क्या कट ऑफ रहेगी, तो इस बार का कोई प्रिडिक्शन अभी हम नहीं कर सकते। ये तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है, ठीक है। पेपर अगर ईजी लेवल का आ जाता है तो कट ऑफ हो सकता है इससे ज़्यादा भी चली जाए, ठीक है। तो इस बार जो सिक्स क्लास का पेपर जो है लास्ट ईयर से भी ज़्यादा आसान आया था, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी सिक्स की उससे वेरी कर गया है, मतलब 2 नंबर और एक्स्ट्रा कट ऑफ रहेगी इस बार। तो ये सब चीज़ें जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो क्वेश्चन पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है। चलिए, तो यही थी आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।